मयंक अग्रवाल, शिखर धवन और आखिर में जितेश शर्मा की ताबड़तोड़ पारियां, और फिर बैटिंग में खुद की गलतियों ने मुंबई इंडियंस को आईपीएल 2022 की लगातार पांचवी हार दे दी। पुणे के मैदान पर आईपीएल 2022 के मैच नंबर 23 में पंजाब किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 12 रन से हराकर पॉइंट्स टेबल में तीसरा स्थान हासिल कर लिया है। इस मैच में मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पंजाब को बैटिंग के लिए बुलाया। मयंक ने 52, धवन ने 70 रन की पारियों से टीम को एक बढ़िया शुरुआत दी। इसके बाद जितेश के 15 गेंदों में 30 रन से टीम ने बोर्ड पर 198 रन लगा दिए। अब मुंबई की टीम टारगेट चेस करने उतरी। रोहित और ईशान पावर प्ले में ही वापस लौट गए, लेकिन इसके बाद मुंबई ने असली चेस शुरू किया। डेवाल ब्रेविस ने तिलक वर्मा के साथ मिलकर अटैकिंग मोड में पंजाब को खूब परेशान किया। दोनों ने 41 गेंदों में 84 रन की पार्टनरशिप कर मुंबई की मैच में वापसी करवा दी, लेकिन इसके बाद डेवाल का विकेट, तिलक का रनआउट और आखिरी में पोलार्ड के रनआउट ने मुंबई से यह मैच छीन लिया। इस हाई स्कोरिंग आईपीएल मैच के बाद सोशल मीडिया पर कई सारे खिलाड़ी और हैशटैग्स ट्रेंड कर रहे हैं। आइए जानते हैं हैशटैग मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की लगातार पांचवी हार के बाद सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस को ट्रोल भी किया जा रहा है। सीजन 2022 में मुंबई और चेन्नई यानी आईपीएल की दो सबसे बड़ी टीमों का बुरा हाल है। हाल में सीएसके की हार के बाद उन्हें ट्रोल किया गया था। अब मुंबई को उनकी एक पुरानी तस्वीर के साथ ट्रोल किया जा रहा है। #babyab ये नाम मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स मैच के बाद से भयंकर वायरल है। मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे डेवाल ब्रेविस ने पंजाब के खिलाफ अपनी बैटिंग स्किल सिखाई और सोशल मीडिया ने इस खिलाड़ी की जमकर तारीफ की। ब्रेविस की तुलना एबी डिविलियर्स से की गई। राहुल चहर के एक ओवर में उनके लगाए 4 छक्कों की भी तारीफ हो रही है। बीच मैच कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर आए और ब्रेविस को शाबाशी भी दी। #रोहित शर्मा मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा ने पंजाब के खिलाफ बढ़िया शुरुआत की। उन्होंने पहली 16 गेंदों में 28 रन बनाए, लेकिन उसके बाद वो अपना विकेट दे बैठे। इस पारी में रोहित ने 10,000 T20 रन भी पूरे किए। वो विराट कोहली के बाद ऐसा करने वाले दूसरे भारतीय हैं। सोशल मीडिया पर जहां रोहित के 10,000 रन की तारीफ हो रही है, वहीं उनके खराब फॉर्म और टीम की लगातार हार पर उनकी आलोचना भी हो रही है। इतना ही नहीं, रोहित पर 24 लाख का जुर्माना भी लगा है, क्योंकि पंजाब किंग्स के खिलाफ उनकी टीम ने स्लो ओवर रेट से गेंदबाजी की। #archer मुंबई इंडियंस की टीम के लिए साल 2022 अब तक बहुत ही बेकार जा रहा है। टीम ने पहले 5 मुकाबले गवा दिए हैं, जिसकी वजह से उनकी प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने की उम्मीदें धुंधली हुई जा रही हैं। ऐसे में टीम के स्टार जोफ्रा आर्चर को भी फैंस ने सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया। जोफ्रा आर्चर को मुंबई की टीम ने मेगा ऑक्शन में 8 करोड़ की रकम में खरीदा। आर्चर पूरी तरह फिट नहीं है, इसलिए वो इस सीजन अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो अगले सीजन मुंबई के लिए खेलते देखेंगे। ऐसे में मुंबई के फैंस ने मैच के बाद इस खिलाड़ी को ट्रेंड करवा दिया। मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन लगातार 5 मुकाबले गवाए हैं। उनका अगला मुकाबला अब लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 16 अप्रैल को ब्रिबॉन में है। ये खबर आपके लिए लिखी है विपिन ने। खेल से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए दी लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। पड़ोसियों की तान और गूगल बाबा के ज्ञान में फंसे मम्मी पापा के लिए अब आ गया समाधान, ऑर्डिनरी का नया शो परवरिश, जो आपके बच्चे की पढ़ाई से लेकर उसकी डाइट तक आपका देगा साथ। ये है एक कंप्लीट शो आपके बच्चे के लिए और आपके लिए, तो देखना मत भूलिएगा हर बुधवार ऑर्डिनरी पर परवरिश गीतिका के साथ।